हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो क्लॉथ पीसेस को आपस में कैसे ब्यूटीफुली सुई के साथ हम ज्वाइन कर सकते हैं ये सीखेंगे। इसे रांदा एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा है कि हमें रांदा एम्ब्रॉयडरी सिखाइए। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। रांदा एम्ब्रॉयडरी इस्लामिक वर्ल्ड की बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ट वर्क है। ये एम्ब्रॉयडरी ज्यादातर सिल्कन थ्रेड्स के साथ की जाती है। मैं इसको एंकर के थ्रेड के साथ वर्क करती हूँ और 6 की 6 स्ट्रैंड से इसे मैं बनाती हूँ। मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि जो इंसान सिल्क के थ्रेड को अच्छे से नहीं टैकल कर सकता, उसको सबसे पहले एंकर के थ्रेड के साथ ही वर्क करना चाहिए। जब वो सीख जाए उसके बाद उसको सिल्कन थ्रेड के साथ वो ऑटोमेटिकली कर पाएगा। मैंने इस एम्ब्रॉयडरी के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जिनमें मैंने पर्ल्स, बीड्स और सीक्वेंस भी ऐड कर रखे हैं इसको और डेकोरेटिव बनाने के लिए। रैंडा एम्ब्रॉयडरी मोस्टली लेफ्ट टू राइट की तरफ की जाती है, लेकिन मैं इस एम्ब्रॉयडरी को राइट से लेफ्ट की तरफ करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे करने इजी लगती है। तो इसलिए आप भी इसको जैसे जैसे मैं सिखाती हूँ उस तरीके से वर्क करेंगे तो इसका बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा। तो ये देखिए, जिन दो एजेस को मैंने आपस में ज्वाइन करना है उनको यूं फोल्ड करके मैं किसी प्लेन कपड़े के ऊपर यूं रखूंगी और दूसरे एज को भी यूं इसके सामने रख लूंगी। और उसके बाद हम इसको या तो सुई की मदद से या पिन की मदद से साइडों से अटैच कर लेंगे। मैंने इन दोनों फोल्डेड एजेस को आमने सामने रख लिया है। इन एजेस के साथ साथ मैं वर्क करूंगी। ये जो नीचे वाला क्लॉथ है इसको बिल्कुल टच नहीं करना है, सिर्फ इन दो एजेस को आपस में ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम एक एज में से यूं अपनी नीडल को निकालेंगे। हम एंकर की 6 स्ट्रैंड के साथ ही वर्क कर रहे हैं और हमने ये 5 नंबर की नीडल ली है। अब हम सबसे पहले इस स्टिच को यहां पे पहले लॉक कर लेंगे चेन स्टिच के साथ। यूं लॉक करने के बाद हम बिल्कुल इसके सामने एक और स्टिच लेंगे यूं, और ये फोल्डेड एज को उठाएंगे। नीचे वाले कपड़े को हम बिल्कुल नहीं उठा रहे। थ्रेड को हमेशा हम नीडल के ऊपर रखेंगे और उसको ऐसे रोटेट करेंगे, या यूं कहें ऊपर यूं स्टिच लेने के बाद हम अपने थ्रेड को यूं रोटेट करेंगे नीडल के ऊपर से। हमेशा थ्रेड को नीडल के ऊपर से ही हमने घुमाना है। ये देखें, और इसको हमने जितना गैप रखना है उतना खींच लेना है और बाकी ऐसे छोड़ देना है। अब ये जो हमारा सेंटर में स्टिच बना है इसमें से अपने नीडल को पास करना और फिर से हमने थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद फिर नीचे वाले साइड में हमने फोल्डेड एज को यूं उठाना है और नीडल के ऊपर से थ्रेड को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और उसके बाद ऊपर अटैच करने से पहले हम ये जो हमारा स्टिच है इसके नीचे, ये देखिए, यहां से हम दोबारा से अपने नीडल को घुमाते हुए एंटी क्लॉकवाइज उठाएंगे। और अब ऊपर अटैच करेंगे बिल्कुल इसके सामने, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ऐसे। और फिर से हम वही मेथड अपनाएंगे, नीडल के ऊपर से थ्रेड को ऐसे रोटेट करेंगे। जब एक बार ये हम अटैच कर लेते हैं उसके बाद हम सेंटर वाली ये जो हमारा स्टिच है, ये जो स्टिच है इसके साथ, ये देखें, और यूं थ्रेड नीडल के ऊपर से थ्रेड को रोटेट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे स्टिच लेंगे। अब नीचे अटैच करेंगे। हर बार आप देख रहे हैं हम नीडल के ऊपर से थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। एक बार हम नीचे अटैच करते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद सेंटर में ये जो हमारा स्टिच है, ये देखें,
एक स्टिच हमारा ये है, ये जो स्टिच है यहां, ये नहीं ये, इसको उठाते हैं और यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और फिर ऊपर जब अटैच करना है ऐसे तो भी हमने थ्रेड को नीडल के ऊपर से ही रोटेट करना है। ऐसे अब नीचे, पहले नीचे नहीं, पहले हमने यहां पे ये देखे, ये स्टिच एक तो ये है, ये नहीं उठाना, ये उठाना है, ये स्टिच उठा के और मेथड वही नीडल के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे अब नीचे अटैच करेंगे, फिर वैसे ही हम इसको और फिर सेंटर से ये जो हमारा स्टिच दिख रहा है इसको उठाएंगे अब ऊपर अटैच करेंगे। बहुत इजी है, बस आपने नीडल के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड को रोटेट करना है, एक बार ऊपर स्टिच लेना है, एक बार नीचे, और दोनों स्टिचेस के बीच में से एक बार हमने सेंटर में से भी ये देखे, ये जो स्टिच है इसको उठाते हैं हम और यहां इसको रोटेट करते हैं। फिर नीचे ऐसे ये देखिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। मैं देखिए एक बारी बीच में से भी एक स्टिच उठाती हूं, ये स्टिच कौन सा उठाना है ये अपने ध्यान से देखना है, ये वाला स्टिच उठाना है। ऐसे। और फिर ऊपर जब अटैच करना है तो भी हमने ऊपर वाले फोल्ड को उठाते हुए थ्रेड को यूं ऊपर से ऐसे, थ्रेड को हमेशा आपने सुई के ऊपर से ही लेना है। ये देखें ये स्टिच उठाया मैंने और थ्रेड को ऊपर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। मैं आपको और भी क्लोजअप करके दिखा रही हूं ताकि आपको समझना और आसान हो। ये देखें ऐसे और फिर उसके बाद ये स्टिच, अब तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है, ये देखें ऐसे और इसको ऐसे। अब ऊपर जब अटैच करना है तो भी ऐसे ऐसे और इस थ्रेड को यू नीडल के ऊपर से ऐसे। बस इसी तरीके से आपने वर्क करना है। ये वाला स्टिच नहीं उठाना, ये देखें ये दिख रहा है ना, ये नहीं उठाना, ये उठाना है जो इसके साथ है नीचे, ये देखें ये वाला, और थ्रेड को ऊपर से नीचे। तो ये बहुत सुंदर सेंटर में एक जाली सी बन रही है। ये मैंने दो एजेस लिए हैं, जिन दो एजेस को आपने आपस में ज्वाइन करना है उनको आपने इसी तरीके से वर्क करना है। बस आपने एक चीज का ही ध्यान रखना है, थ्रेड को हमेशा नीडल के ऊपर से ऐसे लेना है। ठीक, अब इस तरफ भी हमने ये स्टिच उठाना है और नीडल को हम थ्रेड को हमने ऐसे ऊपर से सुई के ऊपर से रोटेट करना है। अब ऊपर और इधर भी हम इसको ऐसे, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूं, दो एजेस को हम कैसे आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। अगर हमने अपनी शर्ट की सेंटर योक पे ये वाली लाइन बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। आप इसी तरीके से इसको वर्क करते जाएं, ये बहुत सुंदर एक मोटिफ बन के रेडी हो जाएगा, जैसा कि आप ये यहां पे देख रहे हैं।
तो आई होप आपको दो एजेस को आपस में ज्वाइन करना इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।